नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको बूंदे और कैरी की सब्जी बताने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं बूंदे और कैरी की सब्जी। ये मैंने आधा किलो बूंदे लिए हैं और दो कैरी ली है। इनको लसोड़े भी कहते हैं, लवेड़े भी कहते हैं और लेसो भी कहते हैं। आपके यहाँ इनको क्या कहते हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमक लेंगे सफ़ेद वाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये सौंफ लिए मैंने और ये जीरा लिया है और ये कलौंजी ली है जो अचार में डालते हैं और ये हींग ली है और ये तेल लिए है। तेल आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। तिला लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, दो गिलास पानी लिया है। गैस शुरू करेंगे, पतीला रख देंगे, पानी में उबाला आने देंगे। जो हमारे गूंदे हैं उनको हमने अच्छे से धो लिए हैं, लेकिन ऊपर की जो इनकी टोपी है उनको नहीं हटाना। अगर हम उबालने से पहले इनकी टोपी हटा देते हैं तो अंदर का जो गोंद होता है वो निकल जाता है और सही से उबलता नहीं है, पानी अंदर चला जाता है। इसलिए हम उबालने के बाद में ये टोपी हटाएंगे और फिर हटाने में भी आसानी होती है। पानी में उबाला आ गया है, जो हमारे गोंदे हैं डाल देंगे। खाली ढकेंगे, लेकिन पूरा नहीं ढकेंगे, हल्का सा खुला रखेंगे। हम कैरी का छिलका हटा लेंगे। इसके बाद में कद्दूकस कर लेंगे। को कस लिया है, हटाएंगे, करेंगे, देखिए हल्का सा भी उबालना है। बाकी थाली हटाएंगे, भी चेक करेंगे। ये देखिए नरम हो गए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। 5 से 6 मिनट लगते हैं उबलने में। बंद कर देंगे, चलने लेंगे, उसमें निकाल देंगे, हल्का सा ठंडा पानी डाल देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। एकदम ठंडा होने के बाद में हम इनके बीज निकाल देंगे। कपड़ा लेंगे और कपड़े पे थोड़ा फैला देंगे। अच्छे से फैलाने से इनका पानी जो है वो जल्दी सूखेगा, अच्छा सूख जाएगा। और ये देखिए उबलते उबलते ही इनकी जो ये टोपी होती है आसानी से निकल जाती है। तो हमें पहले इनको हटाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। उबालने के बाद में ये अपने आप इस तरह हट जाती है, इस समय पानी भी अंदर नहीं जाता। अभी गूंदे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और इनके जो बीज हैं वो इस तरह निकाल देना है। बीज निकाल लिए हैं, शुरू करेंगे। कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे 1/4 चम्मच। अब मैंने ये कलौंजी लिए, कलौंजी थोड़ा कम रखना है। जीरा लिए हैं और सौंफ लिए हैं, कलौंजी की मात्रा कम रखनी है इन दोनों से। और तेल में डालेंगे, गैस को कम कर देंगे, हल्की सी हींग डालेंगे और गूंदे डालेंगे।
गैस को फुल कर देंगे और इस तरह चलाएंगे ताकि अंदर का जो गोंद है वो एकदम ठीक हो जाए अच्छे से, बिल्कुल भी गोंद नहीं छोड़े, चिपचिपापन नहीं रहे। चम्मच नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, हम तेज डालेंगे, गैस को थोड़ा कम कर लेंगे। पाउडर डालेंगे एक चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम में डाल रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। इसे मिक्स कर दिया है, गैस को मैंने कम ही कर रखा है, एक से दो मिनट और पकाएंगे ताकि जो अंदर का गोंद है वो बिल्कुल भी नहीं रहे। अभी अच्छे से तेल छूट गए हैं, सब्जी हमारी पक गई है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। आपको दिखा दूं जो अंदर का गोंद होता है चिपचिपा वो बिल्कुल भी नहीं रहा, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोंदा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से हमारी कैरी और गोंदे की सब्जी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके यहाँ गोंदों को क्या बोलते हैं ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।